Okay, hi everyone. ठीक है, इसमें मैं आज आपके आपको बताऊंगी मोड ऑफ इनहेरिटेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये. तीन रूल इसमें इनहेरिटेंस का होता है जिसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, चाहे इनहेरिटेंस का टाइप कोई भी हो, आपको इस रूल को अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया तो कहीं भी आपको कभी भी कोई दिक्कत इनहेरिटेंस में नहीं आएगी. तो हम लोग बात करते हैं, पहले शुरू करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर से. ठीक है, तो अपने को मालूम है एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड तीन होता है. ठीक, आप कहेंगे मैम प्रोटेक्टेड क्यों? तो प्रोटेक्टेड की जरूरत कहाँ पड़ती है, मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी, अभी भी मैं बता देती हूँ कि प्राइवेट जो मेंबर होता है उसको अपन कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते. ठीक, तो अगर आपका सवाल हो कि मैम अगर करना ही पड़े तो क्या करेंगे, तो आप उस मेंबर को प्राइवेट प्रोटेक्टेड बना देंगे. तो प्रोटेक्टेड क्या होगा कि वो उसके लिए प्राइवेट की तरह ही रोल प्ले करेगा, लेकिन आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ये फायदा हो जाता है. ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि इनहेरिट करेंगे कैसे मैम, तो उसके लिए कोलोन ऑपरेटर होता है कि नहीं? जैसे अगर मान लीजिए डी ड्राइव क्लास का नाम हमने दे दिया. इनहेरिटेंस में आपको बताया था जिस क्लास से हम इनहेरिट करते हैं दैट इज कॉल्ड बेस क्लास, और जिसमें इनहेरिट करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? डेराइव क्लास. आपको याद है? तो चलिए देखिए, मान लीजिए डेराइव क्लास का नाम डी ले लिया हमने, तो आपको क्लास कीवर्ड देना पड़ता है कोलोन ऑपरेटर, और फिर आप क्या लिखते हैं? बी, बेस क्लास का नाम. ये कुछ भी हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बी लिख दी. उसके बाद क्लास का अपना डेफिनेशन अपन देते हैं. ठीक, तो अगर आपने इस बेस क्लास को आप तीन मोड में क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं, आइदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट. अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी लिख देंगे, तो वो अपने आप क्या बन जाएगा? प्राइवेट मोड में आ जाएगा. ठीक, तो प्राइवेट मोड में आने का मतलब क्या हुआ, या पब्लिक या प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ? एक बात तो अपने को हमेशा पता है, प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होगा बी से डिराइव में. ठीक है, बेस से डिराइव में. तो मान लीजिए आप पब्लिक मोड में, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस क्लास का जो भी पब्लिक या प्रोटेक्टेड होगा, तो पब्लिक मेंबर डिराइव में आके क्या बन जाएगा? पब्लिक. और बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव में आके क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड. इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि पब्लिक मोड में अगर आपने इनहेरिट किया तो पब्लिक पब्लिक ही रह जाएगा, बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डिराइव्ड में प्रोटेक्टेड ही रह जाएगा. ठीक है, अब सवाल उठता है अगर इसको हमने हटा दिया तो ये क्या बन गया? प्राइवेट. प्राइवेट में क्या होगा? तो बेस क्लास का प्राइवेट डेटा तो कभी आना नहीं है, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही आएगा. लेकिन जो पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर आपका बेस क्लास का है, वो डिराइव्ड में आके क्या बन जाएगा? तो आपका प्राइवेट बन जाएगा. तो सही जवाब है. देखिए, प्राइवेट अगर यहाँ कुछ नहीं लिखे या प्राइवेट लिख दें, तो जो भी बेस क्लास का पब्लिक मेंबर है या प्रोटेक्टेड मेंबर है, वो डेराइव क्लास में आकर के क्या बन जाएगा? प्राइवेट बन जाएगा. रूल नंबर टू याद रहा? रूल नंबर वन में क्या है? बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डेराइव क्लास में पब्लिक, बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर डेराइव क्लास में प्रोटेक्टेड. यही हुआ ना. प्राइवेट अगर है तो क्या आपने याद रखा? पब्लिक प्राइवेट बोथ कम्स इंटू ये क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है. किस में? डेराइव में. क्लियर. थर्ड एंड आखिरी रूल, अगर यहाँ आपने प्रोटेक्टेड लिख दिया तो क्या होगा? पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों मेंबर बेस क्लास डिराइव्ड क्लास में आकर के क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड बन जाएगा. वेरी सिंपल ना. यही तीनों रूल पर पूरा इनहेरिटेंस घूमता है. आप चाहे जितना भी एग्जांपल ले लें, यही तीनों रूल का पूरा कमाल है आपके कोई सा भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो तो इन तीनों रूल को आप बिल्कुल से ध्यान में रखेंगे. हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि प्राइवेट मेंबर कभी इनहेरिट नहीं होता. प्राइवेटली अगर हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं किसी क्लास को, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों बेस क्लास का जो मेंबर है, वो डिराइव्ड में आके क्या बन जाता है? प्राइवेट बन जाता है. और अगर प्रोटेक्टेड हमने यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों बेस क्लास का डिराइव्ड में आके क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड बन जाएगा. और अगर आपने यहाँ पब्लिक लिख दिया है तो बेस क्लास का पब्लिक डिराइव्ड में, पब्लिक बेस क्लास का डिराइव्ड, पब्लिक बेस क्लास का डेराइव मेंबर डेराइव क्लास में डेराइव ही रह जाएगा. बस यही सिंपल है. अगर आप समझ गए तो बात खत्म हो गई. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, क्लास ए आपने लिया, इसमें पब्लिक मेंबर एक्स बनाया, ये इनहेरिट हो सकता है. क्लास ए लिया, इसमें प्रोटेक्टेड आपने इंटीजर बी बनाया, वाई बनाया, ये भी इनहेरिट हो सकता है. लेकिन प्राइवेट मेंबर जेड बनाया, क्या ये कभी इनहेरिट होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मैम, कभी इनहेरिट नहीं हो सकता. चाहे मोड हम कोई सा भी लें, कोई फर्क पड़ता नहीं है. प्राइवेट मेंबर कभी इनहेरिट नहीं होता. अब यहाँ देखिए, पब्लिकली आप इनहेरिट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैम एक्स जो है क्लास ए का, वो क्लास बी में जब आएगा तो एक्स क्या रहेगा? पब्लिक है, तो पब्लिक ही रह जाएगा, है ना. और प्रोटेक्टेड जो वाई है आपके क्लास ए का, वो बी क्लास में क्या बन जाएगा? वाई प्रोटेक्टेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसका प्रोटेक्टेड ही है. तो रूल आपने पढ़ा
पब्लिक, डेराइव क्लास में भी पब्लिक, बेस क्लास का प्रोटेक्टेड, डेराइव क्लास में प्रोटेक्टेड। तो ये एक्स जो है इसका पब्लिक है, इसलिए यहाँ पब्लिक हो गया। वाई यहाँ प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ प्रोटेक्टेड हो गया। जेड को कभी एक्सेस होगा ही नहीं, चूंकि वो तो इनहेरिट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट है। समझ में आ गई बात आपको? कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ प्रोटेक्टेड आप लिखे, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड में क्या है, पब्लिक प्रोटेक्टेड दोनों इसमें आके क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड। तो जो एक्स पब्लिक है वो यहाँ प्रोटेक्टेड लिखने के बाद ये भी इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड ही रह जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ प्राइवेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक प्रोटेक्टेड दोनों प्राइवेट हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई इसमें दोनों आकर के क्या बन जाएगा, क्लास सी का प्राइवेट मेंबर बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? तो यही पूरा आपका इनहेरिटेंस है, चाहे इनहेरिटेंस का टाइप कोई भी क्यों ना हो, इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे के लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दूंगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल लूंगी और इसी रूल पर, यही रूल रहेगा, रूल कुछ भी नया नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमको मेरे हिसाब से ये जो 5-10-7 मिनट का लेक्चर है, ये पूरे इनहेरिटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो इस रूल को प्लीज कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, एक बार आंख बंद करके सोच लीजिए, आपको याद हो जाएगा परमानेंट, ठीक है। और बाकी हम लोग प्रॉब्लम से प्रैक्टिस कर लेंगे प्रोग्राम से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय। मैं बहुत जल्दी एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने दूसरे वीडियो में हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय।